और अभी हम जा रहे हैं क्रोमा कैमरा लेने के, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, गोप्रो 13 लेकर। मेरा बर्थडे और ये भाई गिफ्ट नहीं यार, गोप्रो को यार भाई गिफ्ट। भाई डब्बा खुल गया। और भाई कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया भाई, कुछ इस टाइप की क्वालिटी आती है गोप्रो में यार। गोप्रो में वीडियो बना के क्लिप लगा दिया, वीडियो लाइक कर दो यार, ठीक है। गोप्रो में माइक नहीं लगा सकते, सोच रहे हो इतना महंगा आता है ये। तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय वीडियो। मुझे आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। आज तुम्हारे भाई का जो है बर्थडे है, और मैं बता दूं आपको, कल रात में 2 बजे तुम्हारा भाई मथुरा वृंदावन से आया है और बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन आज जो है तुम्हारा भाई एक मोटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, करीब करीब 50-60 हजार रुपए यार, कैमरा लेने जा रहा है, गोप्रो 13 लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यार, मतलब यूट्यूब तो मुझे कुछ दे नहीं रहा, 2-3 साल से कुछ भी इनकम दे नहीं रहा अब तक, लेकिन मैंने सोचा मैं ही थोड़ा यूट्यूब इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे पापा जो मुझे कैमरा दिला रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं क्रोमा कैमरा लेने के, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, गोप्रो 13 लेकर आएंगे। और अगर अभी तक आपने मथुरा वृंदावन वाला ब्लॉग नहीं देखा तो पूरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर जरूर देखो। और फटाफट से पोस्ट है क्रोमा। सो गाइस, मेरे जीजा भी आ रखे थे गोप्रो के लिए, और अभी पता कर रहे कितने का गोप्रो पड़ेगा, और देखते यार क्या क्या है हिसाब किताब, कुछ पता नहीं, फर्स्ट टाइम क्रोमा आया हूं मैं। और ये अपना बिट्टू भाई खड़ा पीछे, तो ये देखो यार, वीडियो लाइक कर देना। तो गाइस, गोप्रो के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि ओवन भी ले लिया जाए, तो ओवन ओटीजी मतलब कहाँ गई हमारी, ये रही ये वाली ओटीजी हम ले रहे हैं। और गोप्रो का भी बिल हो रहा है, गोप्रो अपना हो चुका है, और बताएंगे कितना प्राइस पड़ा, क्या है, कैसे है, क्रोमा में क्या देखे, गोप्रो मिला। तो ये देख लो यार, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गोप्रो जो है नीचे है, यहाँ फ्रिज है, और ओवन एक बार बैक कैमरे से फिर दिखा देता हूँ, मतलब ओटीजी यार। हैवेल्स वाला लेने का मन था, पर वो ज़्यादा बढ़िया बता रहे हमें उषा का। तो ये अपनी ओटीजी है, देख सकते हैं यार कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो भाई सिस्टम बता नहीं क्या है यार, अपना जो है ओटीपी नहीं आ रहा। और भाई मेरा बर्थडे और ये भाई गिफ्ट नहीं दे यार, गोप्रो को यार भाई गिफ्ट दूंगे ना, बात कर लेंगे इसके लिए, बात कर भाई, मजा नहीं कर रहा, आधार कार्ड दिखा दूंगा मैं, समझ गया आपकी बात, सच में बर्थडे है नहीं है भाई। तो भाई गिफ्ट दे रहा भाई, अगर बिट्टू भाई गोप्रो के साथ गिफ्ट नहीं दे तो क्या करना है बता, मतलब और क्या होगा, मतलब भाई ऐसी वही उठा के नहीं चलेंगे, मैं तो कह रहा हूँ भाई मुझे गोप्रो के साथ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और तुम्हें नहीं मिला तो भाई ओटीजी के साथ बोल दिया, बोल दो जो गिफ्ट करना बोलिए, और इसके लिए अलग बिट्टू भाई के अलग, भाई हमारे साथ आया और उनके लिए अंकल के अलग, ठीक है। मेरे को एक आईफोन की फोटो में हैप्पी बर्थडे कर दिया, आईफोन दिलवा, क्या कौन सा वाला भाई, 16 प्रो मैक्स, और वो भी बता दे कितने जीबी वाला, टीवी वाला, वो भाई बड़ी बात चीज वाली। तो गाइस फाइनली अपने गोप्रो की और अपने ओटीजी की जो है पेमेंट हो रही है यहाँ पे, जो है वो पेमेंट करके बिल लेके चलता है फिर घर गोप्रो। नहीं उससे पहले आपको अनबॉक्सिंग तो दिखानी, अनबॉक्सिंग अभी हमने करी नहीं, ओटीजी लेकर जाऊंगा साथ में, जीजा साथ में ले जाऊंगा, डिलीवरी नहीं कराऊंगे घर पे, इतनी जल्दी है तुम्हें भाई, हम तो अपना गोप्रो लेकर ही जाएंगे साथ में, क्योंकि मुझे जाना है नोएडा, ठीक है, तो गोप्रो लेकर ही चलेंगे हम। और ये हो रही है पेमेंट, गोप्रो 12 हमने ले लिया है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट, वीडियो लाइक करी चलेंगे, मोटा वीडियो बनाने के वीडियो क्वालिटी बढ़िया होने के लिए दिखाते हैं। भाई डब्बा खुल गया, और भाई कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया भाई, गोप्रो 12। तो बैटरी सेट करते हैं भाई गोप्रो के अंदर, अपनी स्क्रीन खोलते एक बार ही सबसे पहले, ये फाइनली गोप्रो लेकर आ चुके हम लोग। मैं आपको बता दूं, लेने तो मैं गोप्रो 13 गया था, पर गोप्रो 12 लेकर आया हूँ। एक्चुअली 13 जो है वर्थित नहीं लगा, ओपन कर दो, दिखा दो बॉक्स में क्या क्या है, जितने का ये पड़ा इससे अभी 15-20 हजार रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी सामान में, एक्सेसरीज में, जो कि मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी, और कल वो चीज आएगी तो ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, कल का भी ब्लॉग इसी में जोड़ देंगे, अभी दिखा दे इसमें क्या क्या मिला गोप्रो 12 में हमें कैमरे के साथ। तो गाइस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते यार फटाफट से, कोई है नहीं यार यहाँ पे, अकेले करना पड़ रहा है। तो ये कुछ पत्र मिला यार लव लेटर टाइप में, इसको हम छेड़ेंगे, इसको दूर फेंको यार। और एक चार्जिंग केबल, और ये माउंट है कुछ हेलमेट पे माउंट लगाने के लिए, जो कि हमारे पास इससे बढ़िया क्वालिटी है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे यार। और ये अपना कैमरा, मेन कैमरा जो है, अब इसको फटाफट से चालू करते हैं, बैट थोड़ा बिगड़ा हुआ है उसको इग्नोर मारना, ठीक है। तो कैमरे को एक बार चालू कर दिया,
एक मिनट ये देखो, तो कुछ इस टाइप की कैमरे की क्वालिटी है। और बाकी लोग जो है कल कंटिन्यू करेंगे जब इसका सामान बाकी का आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सामान मंगाया है मैंने इसके लिए, टेम्पर्ड मंगाया है, सिलिकॉन केस मंगाया है, और इसका हेलमेट वाले माउंट मंगाया है, माइक एडेप्टर मंगाया है, जो कि बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट है। बाकी का लोग जो है कल कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लाइक कर दो यार आप। तो गाइस कुछ इस टाइप की क्वालिटी आती है गोप्रो में यार, गोप्रो में वीडियो बना के क्लिप लगा दिया, तो वीडियो लाइक कर दो यार, ठीक है। और बाकी ये सामान जो है जब कल आएगा तो कंटिन्यू करेंगे हम लोगों को, क्या क्या सामान मैंने मंगाया था वो भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद भी और सारी एक्सेसरीज लेनी यार। इतना मोटा इन्वेस्ट करते तुम्हारे भाई ने, आपको चैनल सब्सक्राइब कर दो, इतना मोटा इन्वेस्ट कोई करता है क्या यूट्यूब के लिए? अभी तो यूट्यूब ने एक रुपये नहीं दिया। और कमेंट में हैप्पी बर्थडे करना ना भूलना। वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा बर्थडे का भी 10-12 दिन हो चुके हैं, क्योंकि मथुरा वृंदावन वाले ब्लॉग एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो बस ये क्लिप है, क्वालिटी आपने देख ली, उसको करते हैं बंद और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। द नेक्स्ट डे। तो भाई दोपहर के 12 बज रहे हैं यार, और इंतजार कर रहा हूँ अपने सामान का यार, पता नहीं कब तक आएगा, दिमाग खराब हो रहा है यार, इतना दिमाग खराब हो रहा है सामान का इंतजार करते करते कि जल्दी से मेरा सामान आए, जल्दी से मेरा सामान आए, और पता नहीं कब तक आएगा। और इन बच्चों को देखो कुछ काम दाम तो नहीं, बैठ के टीवी देखना दिन भर, कुछ काम दाम तो करते नहीं है। ये देखो उसकी हरकतें देखो यार, ठीक है। और अब देखते कब तक जो अपना सामान आएगा यार, दिमाग खराब हो गया यार, तो इंतजार करा नहीं जा रहा यार, देख रहे कब तक जो अपना सामान आएगा, वेट करा नहीं जा रहा, जल्दी से यार अपना सामान आया, देखते कब तक आता है। तो भाई 6:25 हो रहे हैं और पता नहीं यार क्या हुआ, अभी दिखा रहा है मेरे पास मैसेज आया कि मेमोरी कार्ड जो थी मेरी 256 GB वाली, डिलीवरी अनसक्सेसफुल हो चुकी है, और बाकी का सामान है गोप्रो का माइक अडेप्टर है, और गोप्रो का केस है जिसमें अपन कैमरा डाल के माइक अडेप्टर लगाते हैं, और शायद टेम्पर्ड वेम्पर्ड ये सारी चीजें, पता नहीं यार कब तक आएगा। देखो टाइम देखो यार, 6:25 हो गए और मेमोरी कार्ड इन लोगों ने कैंसिल कर दी, मतलब कैंसिल नहीं अनसक्सेसफुल हो गया, वो कह रहे कल आएगा। रानी जा रहा है यार, रानी जा रहा, जल्दी से सामान आया यार। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, आप लोगों को भी ऐसी एक्साइटमेंट होती होगी ना, कुछ नया सामान मंगाते होंगे, कुछ कुछ चीजें आती होगी, तो जल्दी से कब कब तक आएगा यार। 6:25 तो यही होगा यार, पता नहीं क्या सीन है यार, दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। गाइस इन बच्चों को आईपैड पढ़ा दिया, अपना गेम में खेल के एंजॉय कर रहे हैं, और मैं इधर अपने खुद के ब्लॉग देख रहा हूँ टीवी में चला के, आप लोग तो देखते नहीं यार, तो मैं खुद ही देख लेता हूँ ना लेट के आराम से, ठीक है। आप लोग देखते नहीं तो मुझे खुद देख के भी उठाने पड़ते ना, कोई बात नहीं, मत देखो यार आप, मैं ही देख के काम चला लेता हूँ। अब देखते कब तक अपना सामान आएगा और वीडियो देखते अपने। 2000 years later. So guys, finally जो अपना प्रोडक्ट आ चुका है, और उसमें 2 आइटम है, वैसे 3 आने थे, मेमोरी कार्ड तो रिटर्न चली गई, वैसे ना 4 आने थे, मेमोरी कार्ड तो रिटर्न चली गई, कल अटेम्प्ट होगा उसका जो है, और बाकी फिर 2 आइटम आए हैं, एक और शायद अभी हो सके तो आ जाए, क्या पता ना आए, वो भी कल आए, देखते क्या होता है, लेकिन 2 को तो ओपन करते हैं। और एक्चुअली कुछ दिक्कत आ रही थी, भैया कह रहे फोन लग नहीं पा रहा था, भैया घर तक आगे लेकर गए हैं, और पीछे मेरी बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है, अनबॉक्सिंग करते हैं शॉर्ट वीडियो बनाते हुए, वीडियो लाइक कर दो फटाफट से। तो गाइस फाइनली देख लिया आपने क्या क्या आइटम मंगाया था हमने, तो अपना गोप्रो ये रहा यार, यही मेरा अनबॉक्सिंग टेबल है फिलहाल के लिए तो। और ये सारे जो आइटम है ना, अभी आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ, ये देख लो यार माइक अडेप्टर, क्योंकि जब पूरी वीडियो डालूंगा ना, एक अलग से डालूंगा कि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के आपको क्या क्या आइटम की जरूरत है, और या आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग के लिए आपको किस किस आइटम की जरूरत है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी आप मोटा मोटा से देख लो यार, अच्छे से क्यों नहीं खुलता यार, इतना महंगा सामान है यार, 4-5 हजार रुपए का माइक अडेप्टर है, अच्छे से खुल क्यों नहीं रहा, ये लो फट गया यार बॉक्स तो पूरा ही। ये यार कुछ इस टाइप का अपना गोप्रो का माइक अडेप्टर, जिसके बिना आप गोप्रो में माइक नहीं लगा सकते, सोच रहे हो इतना महंगा आता है ये। और उसके बाद अपना यूलान जी का केस, जिससे हमारा गोप्रो जो है हेलमेट के अंदर माउंट होगा, जो कि मुझे 1100 रुपए के समथिंग पड़ा है, एक्सपेंसिव थोड़ा ज्यादा है यार, ये देखो। और एक आइटम और अपने पास ये है, एक्शन प्रो की तरफ से किट आती है, इसमें हमें टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं, और साइड कवर ये सारी चीजें मिलती है, ये देखो। तो उसको रखते हैं, पूरी वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा कि मोटो ब्लॉगिंग अगर आपको करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, तो आपको किस किस चीजों की जरूरत है आपको गोप्रो के लिए। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो, इतना मोटा खर्चा कर दिया यार, मिलेंगे इसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।